चलो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आर्म स्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्हाइल लूप का उपयोग देखा था कि हम लोग व्हाइल लूप कैसे यूज करें, और उसका यूज करते हुए हम कोई भी नंबर दिया गया था उसका उसके डिजिट का हम लोगों ने क्या किया था, सम किया था। तो वही सेम यहाँ कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें आर्म स्ट्रांग नंबर क्या होता है और उसके बस उसी पे बेसिक ये। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आर्म स्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्म स्ट्रांग नंबर ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसके डिजिट मतलब जो भी उसके उस नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, ठीक है, तो उस डिजिट का क्या है, अगर हम क्यूब करके जोड़ देते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे क्या है मान लो वन है, तो वन का अगर हम क्यूब करके वन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन ही तो रहेगा। मतलब वन वन का क्यूब करके अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वन ही रहेगा ना, उसका एक ही डिजिट है। और फिर मान लो कितना है मेरे पास 153, दूसरा आर्म स्ट्रांग नंबर कितना है 153 में उसमें कौन कौन से डिजिट है, वन है। हमारे पास कौन कौन से डिजिट है देखो, हमारे पास क्या है कोई डिजिट 153 है, ठीक है। 153 में हमारे पास कौन कौन से डिजिट है, एक वन है, फाइव और थ्री है। वन का क्यूब किया मैंने कितना रहेगा, वन ही रहेगा। प्लस हमने पाँच हमारे पास कितना कौन कौन से डिजिट है, एक तीन है, तो तीन का क्यूब करेंगे 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 20। चलो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एक नंबर है 153, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आर्म स्ट्रांग है कि नहीं। तो ये आर्म स्ट्रांग इसमें कौन कौन से डिजिट है, 3 है, 5 है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिजिट कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा पहला डिजिट आएगा 3। अगर मैंने क्या बताया कि अगर उसकी क्यूब को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, उसके क्यूब को जोड़ते हैं, अगर वही नंबर आ जाता है तो हमारा क्या है, आर्म स्ट्रांग है, नहीं तो क्या है, नहीं है। जैसे मैंने 3 किया 3, और फिर मैंने 3 का कितनी बार, 3 बार करेंगे, 3 × 3 = 27 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 आएगा 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 125 आ जाएगा, ठीक है ना, 125 प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 27 + 125 हो गया हमारा 152 प्लस 1 कितना हो गया 153। इसे क्या समझ में आ रहा, हमारा ये 153 दोनों बराबर हो गया, क्या है हमारा आर्म स्ट्रांग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, लॉजिक तो देख लिया हम लोग कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, पिछले मैंने तो बता दिया कि इनपुट कैसे लेना है। तो पहले एक नंबर मैंने ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे नम किया, नम इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर नंबर, कोई नंबर इंटर कर दिया उसमें। फिर मैंने वेरिएबल जिसे उसमें सम लिया था, इसमें लिया ARM आर्म ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नम को चेक करेंगे, क्या हमारा नम 0 से बड़ा है। जब तक 0 रहेगा तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, आर्म स्ट्रांग नंबर, आर्म स्ट्रांग नंबर में क्या करेंगे, एक मैंने आर्म पहले से ले रखा है, उसमें 0 में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी जो वैल्यू आएगा इसका टेम्प, जैसे पहला उसका डिजिट आएगा मान लो कितना आया, जो भी आए उसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ये उसका क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में फिर उस नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसको हम लोग चेक करना है, तो अब यहाँ तक तो हो गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद में अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, हाँ ये आर्म स्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन अगर कुछ भी चेक करना होता, कंडीशन चेक करना होता, क्या लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ लगाते हैं ना, इफ स्टेटमेंट। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया हमने, पहले लिया इफ, यदि हमारा आर्म ये आर्म की वैल्यू कितना है नम की, अगर इक्वल टू है, इफ ए आर एम की वैल्यू हमारा नम के बराबर है, इक्वल टू नम, तो क्या कर देंगे, प्रिंट हम कर देंगे क्या, उसको मैं कोई भी हम लोग देते हैं ए आर एम एस टी आर जी आर नंबर, हम लोग चेक करेंगे आर्म स्ट्रांग नंबर है, और उसको हम लोग मन करे तो प्रिंट भी कर दे रहे हैं कि हाँ ये, और यहाँ पे नम को प्रिंट कर देंगे ये यही नंबर है, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता है कि नहीं तो एल्स में क्या कर देंगे, एल्स लगा दे रहे हैं, हमारा क्या करेगा, एल्स इंटर मार दिया कि हमारा क्या है, प्रिंट ले लिया,
पे लिख देंगे आर्मस्ट्रांग नंबर, नहीं है नॉट आर्मस्ट्रांग, नॉट आर्मस्ट्रांग। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा के नंबर को प्रिंट करा देंगे, ये नंबर हमारा क्या है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी देखने में थोड़ा सही लगे, ठीक है ना। और यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं, जैसे मुझसे पूछ रहा है कोई नंबर इंटर करो, मान लो 45 ले लिया, ठीक है। और 45 पता ही है, 45 जिससे हमारा, अगर इसको हम लोग 4 का क्यूब करते कितना 64 हो जाएगा, 125 तो उससे कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारा क्या करेगा, ये 45 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर हमें पूछ रहा है कि कोई नंबर इंटर करो, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कोई नंबर जैसे 45 इंटर कर दिया, 45 इंटर कर दिया, आप चेक कर रहे हैं क्या नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या गलती इंटर करवा दिया, अच्छा यहाँ पे क्या कर देगा ये नम, क्या कर देगा नम, यहाँ पे हमारा जीरो हो चुका होगा ना, काउंट करते करते जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्रिंट करेगा ही। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं जो नम लिया है, तो नम को स्टोर करके रख ले रहे हैं नम वन में, जिससे हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं कि हाँ ये हमारा नम 45 दिया था ना, 45 दे दिया, इंटर मारा। अब इंटर को क्या करेगा, देखो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट किया कि हमारा नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर 45। अब हमें कोई एक दूसरा नंबर देते हैं जो हमें कहे कि हाँ आर्मस्ट्रांग नंबर है, जैसे 1 है तो 1 तो हमारा आई है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो दे देगा हम 1। दूसरा नंबर है 153, ठीक है, 120 नहीं, 8 होगा, 8 कहाँ, ये भी नहीं है, 153 होगा दूसरा, 153 इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इंटर मारते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, इसका कितना आ जाएगा 5, ये तो है यार, चेक ही गलत कर रहा है, नमून करना, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारा नमून, अगर ये आरएम की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, नमून की, नमून क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वो जो अगर नम को चेक करेंगे हमारा जीरो तो हो ही चुका है, करते करते तुलना करते करते उसका कंपेरिजन करते करते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं नमून ले लिया। अब 153 लगा रहे हैं, 153, उसके बाद इसको इंटर करके देख रहे हैं, देखो फिर गलत देगा, गलत क्यों दे रहा है, यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर नमून को प्रिंट किया था, इसलिए क्या करेगा गलत देगा, तो फिर नम को प्रिंट किया था, अब यहाँ नमून देना पड़ेगा, अब जाएगा हमारा सही। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी कुछ करें, इसमें अगर दिक्कत हो गलती करोगे तो ये समझोगे, ठीक है। इसलिए क्या कर रहे हैं, एक एक करके गलत कर रहे हैं, तो 153 मैंने डाल दिया, ठीक है 153। अब इसको अगर इंटर करते हैं तो अब देखना ये दे देगा आपको, इंटर द नंबर, मतलब नंबर हमने इंटर किया 153 आर्मस्ट्रांग नंबर, ये हमारा प्रिंट कर दिया कि हाँ ये हमारा 153 क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है ना।